हुसैन की बहन ज़ैनब अलैहिस्सलाम बड़ी अजीम खातून, उन्होंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो 72 सर नेज़ों पे और जिस्म टुकड़े टुकड़े, हुसैन के जिस्म पे 10 घोड़े दौड़ाए कि जिस्म बोटी बोटी हो जाए। तो उन्होंने एक मरसिया कहा, वा मुहम्मदा वा मुहम्मदा सल्ला अलैकल इला व मलकुस समा हादा हुसैनुन बिलारा मुजम्मिलुन तिबा मुकत्तुल आला वा मुहम्मदा वा मुहम्मदा बनातुका सबाया वजुर्रियतुका मुकत्त तस्फी अलैहा रियाह। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, तड़ो ते अल्लाह दा सलाम होवे, फरिश्तियां दा सलाम होवे, आज तेरे हुसैन दी बरात है। आज उस अपने लव दियां तारां दा जोड़ा पाया है, अपनी बोटियां दा सिरा सजाया है, अपनी सवारी नेजा बनाया है, ते अज उहदे नाल 72 बराती हैं जिहड़े घोड़ियां ते नहीं सवार, नेज़ियां ते सवार हैं। अज तुहाडी औलाद कतल हो गई, तुहाडी बेटी हक्के साड़ी जमीन दे इंतकाल होंदे जिसले, ते असी तहसीलदार नूं घर बुलाने कि असी अपनी औरतों नूं कचहरी नहीं, असी अपनी औरतों नूं कचहरी नहीं, इत्थे आके अंगूठे लवाओ, मेरे लम्मी दिया बेटियां कैदी बन के जा रही हैं। या रसूल अल्लाह, थोड़ी औलाद ज़बा हो गई, थोड़ी बेटियां कैद हो गई, इन्हां नूं कूफियां कफन नहीं पवाया, हवा नूं गैरत आई, उस मिट्टी उड़ाई ते सारे जिस्म मिट्टी नाल ढक के कफन पवा दिता। ये वाकया रोने और रुला देने वाला, लेकिन इससे बड़ी रोने वाली बात है कि हमने सबक नहीं लिया। झूठे ने झूठ नहीं छोड़ा, जानी ने जिना नहीं छोड़ा, शराबी ने शराब नहीं छोड़ी, सूद खोर सूद नहीं छोड़ता, रिश्वत खोर रिश्वत नहीं छोड़ता, माँ बहन की गाली निकालने वाला गाली नहीं छोड़ता। हुसैन सिर्फ इस वास्ते के दादे मरसिए पढ़ के तो बस छुट्टी, या मेरा नबी सिर्फ इस वास्ते के 12 दिन रबीउल अव्वल दे जलसे जुलूस काट के तो छुट्टी। आयो नया साल है, आज हुसैन की कुर्बानी की तुफैल आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ कि आज सारे तौबा करो, मैं भी करता हूँ, आप भी तौबा करो कि या अल्लाह आज तक जो कुछ किया माफ़ कर दे, आइंदा नहीं करेंगे। नियत करते हो मेरे साथ, कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। दुआ अच्छा, या अल्लाह ए हुसैन के रब, ए हसन के रब, ए ज़ैनब के रब, ए मोहम्मद के रब, हमने तेरे नबी की पाकीज़ा औलाद के आंसुओं और खून का वास्ता देकर तुझसे माफ़ी मांगी है, हमें माफ़ कर दे, हमें माफ़ कर दे यार, तेरी बड़ी मेहरबानी, हमें माफ़ कर दे यार अल्लाह, हम बड़े गुनाहगार हैं, बड़े खताकार हैं, बड़े कसूरवार हैं, या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, या अल्लाह हमें माफ़ कर। वो 72 सब जो नेज़ों पे चढ़ गए, वो पाकीज़ा अहले बैत जो घोड़ों के सुमों तले रोन दिए गए थे, उनकी बिखरी बोटियों के तोहफे, उनके कटे हुए सरों के तोहफे मेरे मुल्क पे रहे, मेरा मुल्क उजड़ गया है, मेरा मुल्क बर्बाद हो गया, मरीजों को इलाज से महरूम, महंगाई को आसमान पे पहुंचा,
लगा दिया। आज गरीब भूखा है, आज मुतवस्सित तबके वाले भूखे, आज बालबाल परेशान, क्या तू नाराज हो गया? हम तुझसे माफी मांगते, जब तू नाराज होता है तो ना अहलों को जालिमों को हुकूमत देता है। या अल्लाह हम माफी मांगते, हमें माफ कर, हमें नेक दिल लोग नसीब। या अल्लाह मैं जालिमों से नजात नसीब। या अल्लाह हम सब पर, या अल्लाह मैं सिर्फ अपने शहर अपने गांव के लिए नहीं, 22 करोड़ आवाम के लिए मांग रहा हूँ जो सुरमा बन गए हैं। कब आएगा तू या अल्लाह? आ जा, तू आ जा। उन बूढ़ी माओ के आंसुओं का तुल्फ है जिनके पास है, जो रोते हैं उनकी कोई सुनता नहीं। उन मासूम बच्चों के तुल्फ है जो सुबह माँ से नाश्ता मांगते हैं, माँ के पास आंसुओं के सिवा कुछ नहीं है। जो दोपहर को रोटी मांगते हैं और माँ के पास आंसुओं के सिवा कुछ नहीं है। आज गरीब लोगों की बेटियां की इज्जतें नीलाम हो गई। मेरे शहर को भी आबाद फरमा, हमारे गांव को आबाद फरमा। ये सारे आने वाले नमाज में इनको, इनके बच्चों को, इनकी नस्लों को दुनिया और आखिरत का हर सुख दे। हमारे प्यारे दोस्त से उमर हसन पार की बख्शिश फरमा, उसके बेटे की हिफाजत फरमा, जितने हम में फौत हो गए उनके दर्जे बुलंद फरमा। अभी हमारे भाई इकबाल का हमने जनाजा पढ़ना है, उनकी बख्शिश फरमा, उनके दर्जे बुलंद फरमा। जब हमारे जाने का वक्त आए तो ईमान पे खत्म दे, महंगाई को दूर कर दे या अल्लाह, महंगाई को दूर कर। जो लोग इसका सबब बने हैं उनके चूल्हे भी ठंडे कर, उनके चूल्हे भी ठंडे कर, उनको पकड़ जैसे पकड़ने का हुक्म होता है। हमारी हमारी हालत छोटे से बच्चे की है जिसके पास कुछ भी नहीं सिवाय इसके कि हम तेरे आगे फरियाद करते, फरियाद दुहाई है या रब, दुहाई दुहाई है।